पूर्वी चंपारण बिहार जैसे विशाल राज्य का एक प्रमुख व ऐतिहासिक जिला है। यह जिला त्रिभुत मंडल के अंतर्गत आता है। इस जिले का जो मुख्यालय मोतिहारी है। पूर्वी चंपारण का जो मुख्य नदी का नाम है गंडक नदी है। दोस्तों गंडक नदी के किनारे पर बसा हुआ यह पूर्वी चंपारण जिला बिहार की राजधानी पटना से 150 किलोमीटर के दूरी पर तथा देश की राजधानी यानी कि नई दिल्ली से 1020 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है। दोस्तों अगर सड़क पर दौड़ती गाड़ियों के नंबर प्लेट पर ज़्यादातर BR05 लिखा हो तो आप समझ जाइएगा कि आप पूर्वी चंपारण जिला में प्रवेश कर चुके हैं। दोस्तों पूर्वी चंपारण जिला अपने कई सारे पड़ोसी जिलाओं के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है, जिसके उत्तर में है नेपाल देश, दक्षिण में है मुजफ्फरनगर जिला, पूर्व में है सीतामढ़ी जिला और तथा पश्चिम में है पश्चिमी चंपारण जिला से सटा हुआ है। लगभग 3968 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ यह बिहार का तीसरा सबसे बड़ा जिला है, जिसकी वर्तमान समय में आबादी 62,94,000 है। दोस्तों 62,94,000 में 33,96,000 पुरुष तथा 29,84,000 महिलाएं हैं। ये आबादी बिहार का दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला ज़िला है। दोस्तों अगर पूर्वी चंपारण जिला में जाति धर्म के आधार पर देखा जाए तो इस जिला में 80.14% हिंदू धर्म के लोग, 19.42% मुसलमान धर्म के लोग निवास करते हैं। दोस्तों अगर यातायात की बात करें तो इस जिला में सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग यानी कि ये तीनों मार्गों से अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। दोस्तों पूर्वी चंपारण अपने कई सारे खूबसूरत पर्यटक स्थलों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ हर रोज हजारों सैलानी आते हैं जो इस जिला की जो खूबसूरती को देखने के लिए। तो दोस्तों आइए हम बताते हैं कि वह कौन सा खूबसूरत पर्यटक स्थल है जिसके बिना यह चंपारण जिला अधूरी है। लेकिन दोस्तों उससे पहले अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों नंबर एक पर है बौद्ध स्तूप। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण ग्रहण करने के लिए कुशीनगर जा रहे थे तो वह एक दिन के लिए केसरिया में ठहरे थे। जिस स्थान पर वह ठहरे थे उसी जगह पर कुछ समय बाद सम्राट दल के अशोक ने स्मरण के रूप में एक स्तूप का निर्माण करवाया था, जिसे विश्व का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है, जिसकी ऊंचाई 104 फीट ऊंचाई है और यहां हमेशा पर्यटकों का भीड़ लगा रहता है। दोस्तों नंबर दो पर है अरेरा सोमेश्वरनाथ मंदिर। अरेरा राज का इतिहास सोमेश्वरनाथ मंदिर उत्तर बिहार का सबसे प्राचीन तीर्थ स्थल है, जो मोतिहारी से महज 28 किलोमीटर दक्षिण में गंडक नदी के किनारे पर स्थित है, जहां देश तथा पड़ोसी देश नेपाल से भी यहां दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आते हैं। दोस्तों इसके अलावा इस पूर्वी चंपारण जिला में और से भी कई सारे खूबसूरत पर्यटक स्थल है जिसको एक वीडियो में बताना असंभव है। तो दोस्तों आपको यह पूर्वी चंपारण जिला की जानकारी कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों इस चैनल पर हम इसी तरह के वीडियो लाते हैं तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। दोस्तों हम फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।